नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पोरुस। देश ने आज एक ऐसे शख्स को खो दिया जिसके जाने पर हर कोई गम जता है। एक ऐसी हस्ती हमारे बीच से चली गई जिसके जाने का गम हम सबको है। एक ऐसा चमकता हुआ सितारा हमारे बीच से चला गया जो हमेशा लोगों के संकट में साथ खड़ा रहता था। हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की, जिन्होंने टाटा ग्रुप के कारोबार को गति देकर नई बुलंदियों पर पहुंचाया। सर रतन टाटा के संघर्ष की वजह से ही टाटा ब्रांड पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंचा। सर रतन टाटा के संघर्ष के ही कारण टाटा ब्रांड को लोग भरोसे का दूसरा नाम कहने लगे। आज सर रतन टाटा भले ही हमारे बीच नहीं, लेकिन उद्योग जगत में उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए वो हमारे सबके बीच रहे। रतन टाटा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर जाने जाएंगे, वो रहेंगे। रतन टाटा ने अपने संघर्ष और त्याग से एक तरफ जहां टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ टाटा को दुनिया के सबसे बड़े ब्रांडों में शुमार किया। एक तरफ जहां टाटा ग्रुप तरक्की कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट दिल खोलकर लोगों की भलाई करने में जुटा रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में रतन टाटा ने लोगों की मदद की, हमेशा नए लोगों को अवसर दिए। कोविड के समय जब देश भयंकर त्रासदी से गुजर रहा था, तो सर रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के खजाने खोल दिए। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, हर कोई उदास है, हर किसी की आंखें नम है। हिंदी खबर आज आपको सर रतन टाटा के जीवन संघर्ष से रूबरू कराएगा कि कैसे एक शख्स ने टाटा ग्रुप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर को मुंबई में हुआ। 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए और उसके बाद रतन टाटा के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने संभाली। रतन टाटा ने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहण की। मुंबई के बाद शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में दाखिला लिया और इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी की। 17 साल की उम्र में रतन टाटा ने अमेरिका में न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री हासिल की। साल 1962 टाटा इंडस्ट्रीज में बतौर असिस्टेंट के रूप में टाटा ग्रुप से जुड़े और टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी में 6 महीने की ट्रेनिंग। साल 1975 में फिर से आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के बोस्टन चले गए और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937। शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से, विदेश में पढ़ाई हुई अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल जॉन कॉनन स्कूल से हुई, इसके साथ विदेश में जो पढ़ाई थी वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की। विदेश से पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्होंने की। उनका जन्म 28 दिसंबर को हुआ और शुरुआती सफर का अगर जिक्र किया जाए तो शुरुआती सफर में साल 1962 में टाटा ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। साल 1991 में टाटा समूह के वो चेयरमैन बने। साल 1996 में टाटा सर्विसेज की स्थापना उन्होंने की। ये शुरुआती सफर है। साल 2004 टाटा कंसल्टेंसी की स्थापना उन्होंने की। इसके साथ ही साल 2012 भी आया जब टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए, लेकिन फिर से साल 2016-17 में उन्होंने टाटा की कमान संभाली। तो कैसे उन्होंने इस शुरुआती सफर में जो उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद क्या क्या उनके सामने चुनौतियां रहीं। साल 1998 में टाटा की जो इंडिका पहली कार, स्वदेशी कार उन्होंने लॉन्च की। एक साल में ही इस गाड़ी के आने के बाद वित्तीय जो ढांचा था वो बैठ गया, बिगड़ गया। टाटा मोटर्स को बंद करने तक का फैसला लिया गया। इसके साथ ही कार प्रोडक्शन यूनिट पर ताला लगने ही वाला था। इस बीच पहली स्वदेशी कार को उन्होंने लॉन्च किया जो टाटा इंडिका थी, और इस कार के लॉन्च के बाद कंपनी घाटे में चली गई थी। तो ये चुनौतियां रहीं,
1998 का ये जो बड़ा फैसला था जब वो टाटा मोटर्स की ओर उन्होंने रुख किया। शुरुआती चुनौतियों के साथ साथ उनका शुरू से जो संघर्ष किस तरह का रहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, टाटा ने अमेरिका कंपनी के फोर्स से डील की। रतन टाटा का संघर्ष चुनौतियों पूर्ण रहा है। 1999 का जिक्र अगर कर ले तो फोर्ड 1999 में रतन टाटा ने अपना यहाँ पर देखिए कार प्रोडक्शन यूनिट के नए सिरे से शुरू कर दिए और पहले जो उनके फैसले थे उनको उन्होंने बदला। 9 साल बाद टाटा ने फोर्ड को सबक सिखाया, फोर्ड के जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड खरीद लिए। इस बीच हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि देखिए किस तरह से उन्होंने ये सारे जो उतार चढ़ाव देखे लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार देखिए जिस तरह से आगे बढ़ते चले गए, वो बड़ी चुनौतियां रहीं। उन बड़ी चुनौतियों में उन्होंने लोगों को सीखने और समझने का पूरा अवसर दिया। उनकी जीवनी को देखा जाए तो ये साफ तौर पर बयां भी होता है। टाटा का सपना, लाख रुपए की कार, टाटा नैनो ने निर्माण की प्रेरणा उनको कहां से मिली कि 2008 में उन्होंने 1 लाख रुपए की कार लॉन्च कर दी। दरअसल मार्केट में कार को पसंद नहीं किया गया, इस लखटकिया कार को, और 2020 में इसकी यूनिट को बंद करना पड़ा। लेकिन इसकी प्रेरणा के लिए अगर देखा जाए तो ये प्रेरणा उन्हें जब वो मुंबई में जा रहे थे उसी दरमियान उन्होंने बाइक पर 4 लोगों को देखा और वहीं से उनके सामने ये नई डिजाइन सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए एक कार होनी चाहिए। हालांकि बाजार ने इसे पसंद नहीं किया, फिर साल 2020 में इस यूनिट को बंद भी करना पड़ गया। तो टाटा का ये सपना जो उन्होंने साकार भी किया, और कैसे जब मुंबई में वो 4 लोग बाइक पर जा रहे थे उस दरमियान उनके मन में ये ख्याल आया, ये विचार आया क्यों ना इन लोगों के लिए भी कार की व्यवस्था हो। अब सम्मानों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सम्मान, साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण मिला, 2008 में पद्म विभूषण से वो राष्ट्रीय सम्मान उनके मिले। तो पहले पद्म भूषण उन्हें मिला 2000 में और फिर पद्म विभूषण। साल 2009 में उन्हें ऑनरी नाइट कमांडर, जो इंटरनेशनल अवार्ड थे, उनसे सम्मानित किया गया। और साथ ही देखिए ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये उन्हें मिला, और 2012 में इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला। तो ये सम्मान राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें हासिल हुए। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनको याद किया जा रहा है, उनको किस तरह से लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, ये शायद ही किसी के लिए होता है। किसी के चले जाने से किसी को क्या फर्क पड़ता होगा, लेकिन आज रतन टाटा जब हमारे बीच नहीं है, करोड़ों करोड़ भारतवासियों के साथ जो विदेश में उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे इंस्पायर होते थे, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, आज सभी की आंखें नम हैं। युवावस्था में प्रेम कहानियों के चर्चे भी हुए। जेंटलमैन की जो लव स्टोरी थी उसका भी जिक्र कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम साथ उनका नाम जोड़ा गया, सिमी ग्रेवाल के साथ रिश्ते की चर्चाएं हुई, क्योंकि सिमी ग्रेवाल के साथ अफेयर सुर्खियों में रहा जरूर। इस बीच कई बार दोनों लोग एक साथ देखे भी गए, छोटी छोटी बातें थी जिनको लेकर चूंकि सबकी निगाहें रहती थी। सिमी ग्रेवाल ने टाटा से रिश्ते को स्वीकार किया। सिमी ग्रेवाल ने का कहना था कि पुराना रिश्ता हमारा है और सिमी ग्रेवाल के नहीं तो फिर किसी के नहीं हुए, यानी पूरा जीवन देश के लिए फिर समर्पित कर दिया। युवावस्था में जो प्रेम कहानी का जिक्र था वो हमने आपको बताया कि किस तरह से सिमी ग्रेवाल के साथ उनका अफेयर रहा और इस रिश्ते को बकायदा कबूल भी किया गया। लेकिन इस रिश्ते को कबूल करने के साथ ही जब श्री सिमी ग्रेवाल उनके साथ नहीं थी, उसके साथ वो पूरी जिंदगी अकेले रहे, शादी नहीं की, और फिर देश के नाम सारी चीज़ों को वो करते चले गए। वो देश के लिए जिए, देश के हर एक नागरिक के लिए जिए।
तो इंडिया के सुपर हीरो से आपको रूबरू करा रहे हैं। टाटा ग्रुप के बारे में भी अब आपको बता दें, टाटा ग्रुप 150 साल पुराना ग्रुप है। 1868 में टाटा ग्रुप स्थापित हुआ था, जमशेद जी टाटा ने स्थापना इसकी की। टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, ग्रुप के बारे में भी लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। टाटा ग्रुप तकरीबन 150 साल पुराना है, अब ये समझ लीजिए। सर रतन ट्रस्ट एंड लाइमिट ट्रस्ट तैयार हुआ और सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट एंड लाइटिम ट्रस्ट देखने को मिला और ये ट्रस्ट आगे बढ़ते बढ़ते रतन टाटा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। तो तकरीबन 150 साल पहले इस ट्रस्ट की, इस ग्रुप की स्थापना हुई। टाटा ग्रुप के जो ट्रस्टी रहे हैं वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, वो आप देख रहे हैं। और टाटा की जो कंपनियां हैं प्रमुख, टाटा टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा केमिकल्स, ये प्रमुख कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की। टाटा इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज, ये प्रमुख कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किस तरह से रतन टाटा ने इन कंपनियों को और ज़्यादा मजबूती दी, कैसे इन कंपनियों का विस्तार किया, वो देश ही नहीं विदेश में भी चर्चित रहे। उन्हें भारत में सम्मान तो मिले ही, भारत के बाहर भी उन्हें वही सम्मान मिलने लगे। यहाँ तो देखिए टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, नमक मसाला, चाय, कॉफ़ी, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, एयरलाइंस, घड़ियाँ, ज्वेलरी, फैशन एसेसरीज, ये टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट हैं। होटल, स्टील, टेली सर्विसेज और सॉफ्टवेयर, क्या नहीं है ऐसा जो टाटा के नाम नहीं। नमक चाय से लेकर बड़े बड़े होटल्स, हवाई जहाज तक, सब टाटा के नाम। और ये सब मुकाम यूँ ही हासिल नहीं हुआ है, रतन टाटा ने इसके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। एक दौर वो भी था जब विदेशी हंसते थे, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया फिर उनको सर आंखों पर लेने लगी। टाटा ग्रुप की तरफ से जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को सुविधा देने के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। टाटा ग्रुप शहरों से लेकर गाँव देहात तक लोगों को अपनी सुविधाएँ मुहैया कराते हैं और टाटा ग्रुप भरोसे का दूसरा नाम बन गया है। टाटा के कई ऐसे मशहूर प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ टाटा ब्रांड के नाम से ही मार्केट में धड़ाधड़ बिकते हैं, जिसमें नमक मसाला, चाय, कॉफी, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, एयरलाइंस, घड़ियां, ज्वेलरी, फैशन एसेसरीज के साथ ही होटल, स्टील, टेली सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ये तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ टाटा के नाम से बिकते हैं। क्योंकि टाटा का जहां नाम है वहां भरोसा है, और यह भरोसा यूं ही कायम नहीं हुआ है, पूरा जीवन इसके लिए टाटा ने खपा दिया। टाटा ग्रुप ने सर रतन टाटा के नेतृत्व में देश भर में अपना विस्तार किया। टाटा ग्रुप के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की GDP में टाटा ग्रुप की 2% हिस्सेदारी है। लाखों कर्मचारी और सैकड़ों अरब डॉलर का बिजनेस करने वाले टाटा ग्रुप देश के लीडिंग ब्रांड है। देश की GDP में 2% हिस्सेदारी, 9.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी टाटा के पास है। और तकरीबन आपको यह बता दें कि ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो देश में GDP में 2% की हिस्सेदारी है, 9.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी टाटा के पास है। ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, और तकरीबन 300 अरब डॉलर का बिजनेस भी टाटा करता है। टाटा के पास तकरीबन 3,800 करोड़ की संपत्ति थी, और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी है। तो सर रतन टाटा एक तरफ जहां टाटा ग्रुप का कारोबार बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ देश में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उठाने के लिए भी वो सोचते रहे। देश के गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने, स्कूल और अस्पताल खुलवाने के लिए
सर रतन टाटा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो सामाजिक योगदान का देखिए जिक्र कर लेते हैं। सामाजिक क्षेत्र में योगदान, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप उन्होंने दी, ये टाटा ग्रुप की काबिलियत। स्वास्थ्य सेवाओं में उनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत अहम योगदान था उनका। कई अस्पतालों का उन्होंने निर्माण कराया, और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल उन्होंने निर्माण कराए। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब उन्होंने निर्माण कराया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, गरीब बच्चों के लिए इंजीनियर कैसे बनेंगे बच्चे, उनके लिए सोचते रहे। भारतीय विज्ञान संस्थान की उन्होंने स्थापना की, कई स्कूल और कॉलेजेस उन्होंने बनवाए ताकि गरीब बच्चे वहां जाकर पढ़ाई कर सके। यही सब तो सोचते थे सर रतन टाटा। तमाम सारे ऐसे संदेश वो आम मंचों से देते थे जिसकी कायल होती थी दुनिया। किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं, ता उम्र जब तक वो जिए एक सादगी भरे अंदाज में रहे। दुनिया के दानवीर उद्योगपतियों में बिल गेट्स का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। दुनिया के दानवीर उद्योगपतियों में बिल गेट्स का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। दानवीर रतन टाटा की संपत्ति का भी जिक्र करता है। $28 मिलियन की छात्रवृत्ति कोष उन्होंने बनाए। अब आप सोचिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को उन्होंने $50 मिलियन दान में दे दिए। IIT बॉम्बे को ₹50 करोड़ दान दिए ताकि लोगों बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो सके। गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी मदद करते थे। टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी और डिजाइन की स्थापना उन्होंने की। कोविड के पीरियड में उन्होंने करीब ₹500 करोड़ दान में दिए। संपत्ति का करीब 66% हिस्सा वो दान कर देते थे। इसीलिए $28 मिलियन की छात्रवृत्ति कोष उन्होंने बनाई। छात्रों के लिए, नए भविष्य के लिए हमेशा से वो सोचते थे, उनके लिए वो करते थे। शायद वो कहते नहीं लेकिन वो करते थे। उसके बाद दुनिया उसका जिक्र करती, किस तरह का जीवन रहा है, किस तरह की सादगी रही है। जाहिर तौर पर शायद इस तरह की लाइफ कोई जिए, लेकिन रतन टाटा ने ऐसी जिंदगी को जिया। और अभी भी देखिए, मुंबई में जब उनका निधन हो गया और जब उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, लोगों ने पूछा रुक कर कि आखिर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तब बताया कि रतन टाटा का ये घर है। आप यकीन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के पास देश नहीं, दुनिया भर में वो इस तरह के होटल्स हों जिनके सपने शायद कोई देख पाए, आम व्यक्ति। लेकिन रतन टाटा कैसे रहते थे, उनका जीवन कितना सादगी भरा था। वो कभी ऐसे होटल में, जो जिन होटलों के वो मालिक थे, ऐसे होटल में कभी नहीं रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर रहा कि जहाँ वो रहते थे वो बहुत सादगीपूर्ण तरीके से रहते थे। साल 1962 में टाटा ग्रुप के साथ जुड़कर अपने उन्होंने करियर की शुरुआत की। और उद्योगपतियों को देखिए, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बिल गेट्स हों या बाकी, उनसे भी बड़े दानवीर बनने के लिए वो थे, और कम नहीं, पीछे नहीं, लगातार दान देते रहते थे। सर रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप के साथ जुड़कर अपने करियर की शुरुआत की। 2012 तक दमदारी से ग्रुप को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब 2012 में रतन टाटा रिटायर हुए तो उन्होंने टाटा ग्रुप की देखरेख का काम नहीं छोड़ा। और इसी का नतीजा है कि जब टाटा ग्रुप लड़खड़ाने लगा तो रतन टाटा फिर से एक्टिव होकर वापस आ गए और 2017 तक टाटा ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली। तो साल 2012 में सायरन मिस्त्री को चेयरमैन बनाया, और टाटा को मिस्त्री का काम पसंद नहीं आया। जी हाँ, ये जरूर कहा गया कि रतन टाटा फिर से काम पर लौटे क्योंकि मिस्त्री के काम से संतुष्टि नहीं थी। साल 2017 तक टाटा ग्रुप को फिर लीड किया। रतन टाटा ने एन चंद्रशेखरन को कमान सौंपा और इस समय चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप को संभाल रहे हैं। और टाटा लगातार बुलंदियों को छूता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जीवन के आखिरी क्षण तक भी वो लगातार ग्रुप को देखते रहे। लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट
उन्होंने आज तक बनाए, उन सब का बखूबी वो ध्यान रखते हुए लोगों के जीवन में किसी तरह की कोई खलबली ना हो, सबको जिंदगी आसान तरीके से जीने का हक मिले, ये सब वो सोचते रहे। रतन टाटा का जब टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी उनको बनाया गया तो उन्होंने ग्रुप की तरक्की के लिए जमकर संघर्ष किया और अब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है। फिलहाल टाटा ग्रुप को एन चंद्रशेखरन संभाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद टाटा परिवार से टाटा ग्रुप की कमान कौन संभालेगा। रतन टाटा पूरे जीवन अविवाहित रहे, उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, उन्हीं में से एक किसी के रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनाने की जो संभावना है वो प्रबल मानी जा रही है। तो रतन टाटा के दावेदारों की अगर बात की जाए तो कौन होगा उत्तराधिकारी, लीह टाटा का नाम भी है इसमें और इसके साथ माया टाटा सबसे ये प्रबल दावेदार है। तो देखिए परिवार के बाकी जो सदस्यों का जिक्र हम कर रहे हैं, तीनों रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के बेटे हैं और टाटा परिवार में 3 नए युवा उद्यमी हैं, साथ ही इनमें नेविले टाटा हैं, इसके साथ ही लीह टाटा हैं और ये बताया जा रहा है कि माया टाटा सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो सर रतन टाटा जीवन भर ये संदेश देते रहे कि नए और प्रतिभावान लोगों को आगे लाकर उन्हें नए मौके देने चाहिए। रतन टाटा ने अपने जीवन में 2 अहम संदेश दिए हैं, वो संदेश क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो संदेश ये है कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले दौड़िए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। रतन टाटा का संदेश में यही फैसला लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पहले फैसला लेता हूं फिर उसे सही साबित करता हूं। तो ये संदेश रतन टाटा के और इन संदेशों से करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी इनसाइड स्टोरी थी वो कैसे बुलंदियों पर पहुंचे, जब रतन टाटा ने अपना खजाना खोला था वो दानवीर टाटा कैसे बने, ये तमाम सारी छोटी छोटी जो बातें हमने आपके सामने रखी, लेकिन इनका दायरा बहुत बड़ा है, इनका दायरा बहुत बड़ा है। पर ये सिर्फ 15 से 20 मिनट की स्टोरी भर में चीज़ें समाप्त नहीं हो जाती हैं, ये बहुत बड़ा कारवां है। रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट विकास को, राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये श्रद्धा सुमन उन्हें दिए ट्वीट करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा जी ने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, रतन टाटा जी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आज उनके निधन के बाद सभी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। गौतम अडानी का ट्वीट आया, भारत ने एक ऐसे दिग्गज एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक व्यापारिक नेता नहीं थे, उन्होंने भारत की भावनाओं को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया। इधर अंबानी परिवार से भी ट्वीट आए, रतन टाटा का निधन केवल टाटा समूह के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। रतन टाटा के निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है, मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया। टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किए। रतन टाटा के साथ गूगल में मेरी आखिरी मुलाकात में हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की थी और उनका विजन सुनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो गूगल के सीईओ ने भी ट्वीट किया और हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा के चेयरमैन से कहीं अधिक थे, मेरे लिए एक गुरु, मार्गदर्शक, मित्र थे। एन चंद्रशेखरन जो कि अभी फिलहाल
टाटा ग्रुप को संभाल रहे हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके अपनी संवेदना प्रकट की है। और चलिए देखिए दो आज की भावुक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलविदा रतन टाटा, यहां डॉगी भी भावुक हुआ। वो जानवरों से भी बहुत प्यार करते थे। अक्सर आपने देखा होगा रतन टाटा को, जब उनकी तस्वीरें आती थी तो हमेशा वो जानवरों के साथ बड़े मेल मिलाप के साथ देखते थे। जहां एक तरफ पूरी दुनिया रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रही, तो वहीं मुंबई में एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रतन टाटा के डॉगी ने बेहद ही भावुक होकर सर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी। रतन टाटा का इस दुनिया से रुखसत होते समय डॉगी भी भावुक विदाई सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती नजर आई। कहते हैं कि जानवर बोल नहीं पाते, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं उनको जरूर व्यक्त कर देते।